लर्निंग लॉ BNSS सेक्शन इज 153 सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। जो ऑर्डर 152 के अंदर दिया था वो ऑर्डर सर्व होना चाहिए पर्सन को जिसके खिलाफ ऑर्डर दिया जा रहा है। इसमें दो सबसेक्शन है, तो सबसेक्शन वन में ये बता रखा है कि ऑर्डर का जो सर्विस सिस्टम है वो सम्मन्स की तरह रहेगा। सबसेक्शन टू में बता रखा है इफ ऑर्डर इज नॉट सर्व्ड, पर्सनली नहीं दिया जा सकता, तो नोटिफाई किया जाएगा बाय पब्लिकेशंस और एक कॉपी पेस्ट की जाएगी उन प्लेसेज पे जहां पे वो पर्सन रहता है या वहां पे उसका बिजनेस है, ताकि इंफॉर्मेशन कन्वे हो सके। तो ये समझा रखा है सेक्शन 153 में सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर एज पर सर्विस ऑफ सम्मन्स। सेक्शन 154 पर्सन टू होम ऑर्डर इज एड्रेस टू ओबे और सो काज। जिसके खिलाफ ऑर्डर दिया जा रहा है सेक्शन 152 में, तो उसको वो ऑर्डर की पालना करनी पड़ेगी, परफॉर्म करना पड़ेगा। और एज पर ऑर्डर यदि उसमें लिखा हुआ है तो एपियर होना पड़ेगा पर्सनली, और ये भी हो सकता है कि हियरिंग में भी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो सकती है। ये समझा रखा है 154 में। सेक्शन 155 यदि वो ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता है एज पर सेक्शन 154 जैसा कि ऑर्डर में कहा गया है, तो उस केस के अंदर यदि वो परफॉर्म नहीं करता है तो उस केस में भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी सेक्शन 223 के अकॉर्डिंग, जिसमें 6 महीने से लेके 1 साल तक की सजा का प्रावधान है और 2,500 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का जुर्माना है। तो यदि कंप्लाई नहीं करेगा तो उस केस के अंदर 155 के अकॉर्डिंग सजा सुनाई जाएगी।